पेशी, सेल्फ रिस्पेक्ट और होप इंसान के पास लिमिटेड ही होती है। मैं जितना भाग सकती थी उस चीज के पीछे मैं भागी, पटक थक चुकी हूँ। लव यू माय फैमिली। न्यूज़पेपर भी पढ़ी देते हैं आज। पूरा न्यूज़पेपर तो राम जी की अयोध्या से भरा हुआ है। अगर मैं एग्जाम में पास हो गई तो मैं भी अयोध्या जाऊंगी। एक मिनट, ये क्या है? 10th के बच्चों ने किया सुसाइड, IIT की एक स्टूडेंट ने भी जान दे दी। आजकल के स्टूडेंट्स को पता नहीं क्या हो गया है। 2 marks कम क्या है, सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। ये भी नहीं सोचते कि उनके मरने से सिर्फ वो नहीं मरते, उनके पेरेंट्स के इमोशंस की भी डेथ हो जाती है, पूरी फैमिली पर असर होता है। पर उनके पास ऑप्शन भी तो नहीं होता दीदी। ऑप्शन हमेशा होता है अनंत्या, जरूरत है बस उस ऑप्शन को पहचान लो सही समय पर। और तू ये नेगेटिविटी छोड़, तेरा साइंस का टेस्ट है ना आज, तो कोई अच्छी न्यूज सुनाइयो। गुड लक, चल बाय बाय। ओके, उन्हें अपनी बैग रख लियो, टिफिन रख लिया, मैंने खा लियो। God please. चिल यार, टेस्ट ही तो है, मैं भी तो मैथ्स में खराब हूँ। दीदी, ये सिर्फ टेस्ट नहीं है, इसी टेस्ट के मार्क्स बताएंगे कि मैं फाइनल्स में अच्छे मार्क्स लाऊंगी या बुरे। और तुझे तो पता ही है मेरा और साइंस का 36 का आंकड़ा है। तो दुश्मनी क्यों ली? सोसाइटी प्रेशर नाम की भी कोई चीज होती है, ग्रेड लाओ ग्रेड लाओ ग्रेड लाओ। तो कोशिश कर रही हूँ ग्रेड लाने की। साइलेंट। गुड आफ्टरनून। आप सबकी लास्ट कॉपी आ गई है साइंस की, ये पिकल के ले लीजिए। सपना, मेरे तो ए प्लस है। रितिका, मेरी भी ए प्लस है। अनंत्या, अनंत्या बेटा आप मत खोलो, आपको जरूरत नहीं है क्योंकि आपको बी ग्रेड मिला है, वो भी माइनस में। अनंत्या, आपका साइंस में उतना ही लो स्कोर है जितना मेरी सासू माँ का बीपी लो है। आई डोंट वांट ट्राई, मुझे अच्छे मार्क्स चाहिए साइंस में। तेरा कोई प्लान ए है? हाँ, मेरे को ना साइंस में कुछ करना है, जैसे मेरे को डॉक्टर बनने का बड़ा मन है। हाँ, वो तो सफल होते दिख नहीं रहा, कोई नहीं, प्लान बी है। नहीं, प्लान बी तो नहीं सोचा मैंने। सोचा नहीं तो सोच ले, क्योंकि मैंने तो सोच के रखा है। प्लान ए इन्फ्लुएंसर, वो नहीं बनी तो प्लान बी कोई गवर्नमेंट का एग्जाम निकाल लूंगी, और प्लान सी कोई पार्लर वार्लर का कोर्स कर लूंगी। मेरे को तो मेरा प्लान ए ही सक्सेस होते नहीं दिख रहा है, बाकी तो दूर की बात है। हे भगवान, उस साइंस टीचर को गरम तेल में जला दो पकौड़े की तरह। अरे कभी तो अच्छे मार्क्स दे दो कि एटलीस्ट मम्मी पापा को शक्ल तो दिखा पाऊँ। तुझे अपने साइंस की पढ़ी है, मेरे यार इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स नहीं बढ़ रहे हैं, ऐसे कैसे इन्फ्लुएंसर बनूंगी? लोग कच्चा बादाम करते करते वायरल होए जा रहे हैं, यहाँ पे मेरी एक रील वायरल नहीं हो रही है। हेलो हेलो, आवाज से थोड़ी ना बात कर रही हूँ। मेरी हमेशा साइंस में रेलगाड़ी क्यों अटक जाती है? ऐसा तो है नहीं, मैं ट्राई नहीं कर रही हूँ। 3-3 ट्यूशन है, 1 कोचिंग है, यूट्यूब से पूरा स्टडी मटेरियल छान रखा है, बट एक बार भी अच्छे मार्क्स नहीं आए हैं। और तेरे को भी बताए कितनी हार्ड ट्राई कर रही हूँ। देख, तूने लोड ली, तू जिस चीज के पीछे पड़ती है वो हो ही जाता है ना एक तरीके से, तो इतना टेंशन क्यों ले रही है? एक काम करते हैं, हम ना एक प्रैंक वीडियो बनाते हैं, शायद उससे तेरा मूड भी लाइट हो जाएगा और मेरा कंटेंट भी बन जाएगा, है ना? चलो साइंस नहीं तो प्रैंक ही सही, करना क्या होगा? तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तुझे भूल जाना जाना मुमकिन नहीं, तू याद ना आए सब कोई दिन नहीं, सारी का सरसा सारी का सरसा सरगम गम दीदी,
दी, हमने आपके हेडफोन इसलिए काटे क्योंकि हमारे पास आपके लिए एयरपॉड्स हैं। एयरपॉड निकालना दीदी के एयरपॉड्स। ये मैं ले लूं? हाँ। हेडफोन के बदले एयरपॉड्स? ये तो बाबू ने भी नहीं दिलाए मुझे। एक मिनट, ये लो फोन से कनेक्ट कर दो। अब क्या करना है? अंकल तुमने सुना वो जो शिवानी नहीं थी मित्तल जी की बेटी की, उसका यूएस में अच्छी यूनिवर्सिटी में हो गया और उसको तो स्कॉलरशिप भी मिली है। वेरी गुड। और उसकी बहन है उसका भी हो गया लंदन यूनिवर्सिटी में। वंडरफुल। तो आजकल बच्चे काफी अच्छा कर रहे हैं यार। मैं क्या सोच रहा हूँ कि बबली को अपन एमबीए करा लेते हैं और अनंत्या को ना किसी और स्ट्रीम में डालते हैं, साइंस स्ट्रीम में डाल देंगे। यार मम्मी पापा को कितनी एक्सपेक्टेशन है मुझसे, लग जाना क्या तू। मम्मी मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ बेटा। अगर मैं साइंस में अच्छा नहीं कर पाई तो? ऐसे क्यों सोच रहे बेटा, आप तो अच्छी मेहनत करोगे तो अच्छा करोगे। फिर भी नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, बाकी सब्जेक्ट्स है ना उनसे बैलेंस करने की कोशिश करो। बेटे लाइफ में गोल अचीव करना या मंजिल पे पहुंचना उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है लाइफ में खुश रहना। यार ये सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस का चैप्टर तो बड़ा मुश्किल होता है, इसमें तो मैं बड़ी वीक हूँ, कभी कुछ याद नहीं होता चाहे जितना भी लिख के लर्न कर लूं। हाँ हेलो। हेलो रंतिया, 76 वाली प्रकृति दीदी है ना, उनका ना सीए का एक एग्जाम एक नंबर से रह गया, उन्होंने सुसाइड भी कर लिया। एक मार्क्स? चल बाय, हम वहीं जा रहे हैं। ठीक है बाय। क्या हुआ, क्या इतनी क्या सीरियस हो रखी है? आप वो प्रकृति दीदी को जानती हो? हाँ वो सेक्टर 76 वाली ना जो सीए का एग्जाम दे रही थी, लास्ट अटेम्प्ट था उसका। हाँ उनका लास्ट अटेम्प्ट ही हो गया, मतलब उन्होंने सुसाइड कर लिया। डोंट टेल मी यार। एक मार्क्स से वो फेल हुई थी, अगर वो एक मार्क्स दे देते तो क्या चला जाता। एक मार्क्स की वैल्यू तुझे नहीं पता रहते आप, एक मार्क्स ना कभी कभी 100 मार्क्स के बराबर हो जाता है। वो कहते हैं ना कि सारी सीढ़ियां चढ़ ली लेकिन अगर लास्ट सीढ़ी से फिसल गए ना, वो जो तड़प होती है ना, वो रिग्रेट जो होता है ना, बस उसी के बराबर है ये एक मार्क्स। तभी कहते हैं किसी भी सब्जेक्ट को ना हल्के में मत लो, खास तौर पर उस सब्जेक्ट को जिसमें तुम वीक हो। जिसमें तुम वीक हो ना उसके तो पीछे पड़ जाओ जब तक वो क्लियर ना हो, मतलब उसके पीछे लग जाओ बस। सर्किट समझ नहीं आ रहा, समझा देगी? अरे सर्किट छोड़, तेरे सर्किट देख के तो मेरे को गोलगप्पे खाने का मन कर रहा है, चल ना खाते। सर 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 वो वहाँ पे क्या चल रहा है, इतनी भीड़ क्यों है? तुझे नहीं पता, साइंटिस्ट है। साइंटिस्ट? उसमें तो साइंस लगी होगी ऑब्वियसली। तो फिर चल ना, एडवाइस मांगते हैं उनसे। पर मेरे गोलगप्पे। अरे एक बार मेरे ग्रेड अच्छे आ गए ना तो गोलगप्पे का ठेला लगा दूंगी तेरे लिए, चल। वाओ सर, कांग्रेचुलेशन सर, आप इसरो में हो ना? हाँ सर, तुम्हें साइंस में अच्छे मार्क्स कैसे लाऊं? किसने बोला, आगे आओ। सर साइंस में अच्छे मार्क्स कैसे लाऊं? तो 8th 9th में कितने आए थे तुम्हारे? सर एवरेज तो बी माइनस आता है, बट एक बार बी प्लस आ गया था। तुम साइंस पढ़ना चाहती हो और तुम्हारे ग्रेड इतने लो है? सर वो तो मैं कर लूंगी सर, मैं भी बहुत पढ़ती हूँ सर, बट तुम्हें मार्क्स। ट्राई हमने भी किया था, ऐसे नहीं लग गया इतने पावर का चश्मा। अकेले कमरे में बैठ के हम सड़ते थे, एक एक महीने तक ना हमने सूरज की रोशनी नहीं देखी। इतना डूबना पड़ता है साइंस के लिए, एक सब्जेक्ट के लिए इतना मरना पड़ता है, तुम कर पाओगे? सर बाकी सब्जेक्ट में तो मेरे अच्छे मार्क्स आ ही जाते हैं, बट अब साइंस में भी ला के रहूंगी। चलो हटो रे। ओके दैट्स एनफ आज के लिए। नो रितिका ने बताया मुझे कोचिंग में जो तेरे साथ हुआ, लेकिन तू टेंशन मत ले, एक बार तूने कॉलेज कर लिया ना फिर लाइफ सेट है। दीदी अब ना मेरा हो गया है, अब बस
सब टीचर्स कहते हैं कि टेस्ट पास कर लो लाइफ सेट हो जाएगी, मम्मी पापा कहते हैं ट्वेल्थ पास कर लो लाइफ सेट हो जाएगी, अब आप कह रही हो कॉलेज कंप्लीट कर दो लाइफ सेट हो जाएगी, चाचू कहते हैं अच्छी जॉब लग जाएगी तो लाइफ सेट हो जाएगी, दादी बोलती है शादी हो जाएगी तब लाइफ सेट हो जाएगी, पूरा सोसाइटी पूरा समाज कहता है कि बच्चे हो जाएंगे तब लाइफ सेट हो जाएगी, फिर बच्चों की लाइफ सेट करो, उनको ये पढ़ाओ उनको वो करो, हम क्यों यही करने बैठे हैं। तो अब मैंने डिसाइड किया है कि मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता है, मैं किसी सब्जेक्ट में कमजोर हो ही नहीं सकती, चाहे मेरे को पूरे दिन रात बंद रहकर मेरे को सड़ना हो बट साइंस पढ़ना हो तो मैं वो करके दिखाऊंगी। तो प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज जाओ। ओके जा रही हूँ, टेक That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently, it could build and build until you finally see. Whoa, gotta find someone who's a good friend of me. I need purpose to make it all worth it. I'm still searching and I'm still learning. I want a life that's filled with memories, not a life with regret in front of me. I need focus to keep me from hopeless psychosis if I keep moping. I got haunts me somewhere much deeper. I've been feeling weird, I can't seem to focus good enough. Nothing's really clear, sometimes it could be a little tough. I just need to feel, lately real anxiety can foggy all this stuff. भगवान थैंक यू मैं पास हो गई। कितने हैं मेरे? तेरे 85% है। और तेरे? 35%। सॉरी यार अनंत्या मैं जा रही हूँ। ये मेरे साथ क्या हो गया? मैंने एक सब्जेक्ट साइंस के लिए इतना फोकस किया कि मैंने बाकी सारे सब्जेक्ट्स को इग्नोर ही कर दिया, और आज मेरा रिजल्ट इतना पुअर, मैं मम्मी पापा को मैं कैसे दिखाऊंगी? शायद एक ही रास्ता है। लाइफ में ना तुम एक चीज पे इतना ज्यादा पागल हो जाओगे कि बाकी सारी चीजें तुम्हारे लिए धुंधली हो जाएंगी। ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोई कोट तो नहीं है ना? नहीं, ये अनंत्या आइंस्टाइन का कोट है, और मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि साइंस मेरा इतना अच्छा सब्जेक्ट नहीं है तो मैं बाकी सारी चीजों पे फोकस करूंगी, जैसे मैथ्स जिसमें मैं अच्छी हूँ, और इसी बात पे मोमो ट्रीट मेरी तरफ से। फेलोने की खुशी में। तो गाइस कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? और आई फील लाइक ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ में चाहे कुछ भी बहुत बुरी चीज हो जाए, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। ऑफकोर्स बहुत सारे कोपिंग मैकेनिज्म्स होंगे और अच्छी चीजें भी आएंगी, तो आप लोगों को हमेशा और ट्राई करना चाहिए हार्ड, और ऐसा कोई चीज नहीं करना चाहिए जिससे आपके पेरेंट्स को सैडनेस पहुंचे या आपके फैमिली को सैडनेस पहुंचे और आप भी रिग्रेट करो। तो ये था मेरा आज का वीडियो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, आई होप आपको कोई मोरल मिला हो इस वीडियो से, और हाँ अपने सारे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ये अवेयरनेस जरूर शेयर कर देना। तो मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लेते केयर एंड बाय बाय।